Hello student, today we see the very very important topic in that unit, that is the block diagram reduction rules. In this block diagram reduction rule, on the basis of these rules we solve the problems on block diagram. So these formulas or these rules are very very important to solve the block diagram problems. Okay, so see the one by one rules, this is the rules for block diagram reduction. First rule is that is block in series. Okay, when two or more blocks are in series with each other, then these blocks can be combined to form a single block. Okay, the overall transfer function of resultant block is given by the multiplication of individual block. ठीक है, अगर दो ब्लॉक जो है सीरीज में रहेंगे, दो या उसके से ज्यादा अगर सीरीज में रहे हो तो वो किस में आएंगे, मल्टीप्लीकेशन में आएंगे. ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन जो है उसका किस में आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट है, सेकेंड रूल इज दैट ब्लॉक्स इन पैरेलल. व्हेन टू और मोर ब्लॉक्स आर इन parallel with each other, then these blocks can be combined to form a single block. Okay, the overall transfer function of a resultant block is given by addition or difference of individual block transfer function. ठीक है, अगर दो ब्लॉक या दो से ज्यादा ब्लॉक्स अगर पैरेलल में हो तो उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है ब्लॉक डायग्राम का वो कैसे आता है, दैट इज प्लस माइनस दोनों ब्लॉक. ठीक है, G1 प्लस माइनस G2. ठीक है, इसको हम बोलते हैं इट इज द समिंग पॉइंट. ओके, उसके बाद में थर्ड रूल देखेंगे. थर्ड रूल है अपना, दैट इज रिमूवल ऑफ माइनर फीडबैक रूल. ठीक है, इसमें जो है ब्लॉक डायग्राम में एक क्या रहता है, फीडबैक. ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक, दैट इज एच. ठीक है, अगर एक ब्लॉक हो अपना जी और उसको फीडबैक हो तो हम लोग ये वाला रूल लगाते हैं. तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, देखो, दैट इज व्हेन माइनर लूप इज प्रेजेंट in a given system, then the minor feedback loop is converted into the single functional block. ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा अपना original जो है block रहेगा, उसके बाद में feedback हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 plus minus, that is this plus minus g of h. ठीक है, तो feedback अगर रहा तो आपको जो है ये डायग्राम. सी द फोर्थ रूल, दैट इज इंटरचेंज ऑफ समिंग पॉइंट और एसोसिएटिव लॉ. इसको ही हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ. यहाँ पे हम लोगों को क्या दिए रहते हैं, देयर इज अ टू समिंग पॉइंट. ओके, व्हेन अ टू और मोर समिंग पॉइंट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर, देन दीज समिंग पॉइंट्स कैन बी इंटरचेंज विद ईच अदर. ओके, तो क्या होता है, ये जो दो समिंग पॉइंट है अगर वो एक में को क्या होगे, कनेक्टेड होंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है y आगे लिख सकते हैं और x का जो समिंग पॉइंट है वो पीछे लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया इंटरचेंज ऑफ समिंग पॉइंट. y इधर आएगा पहले, ओके, और बाद में क्या आएगा, x आएगा. अगर हम लोगों को समिंग पॉइंट अगर एडजस्ट करना हो तो ये रूल हम लगा सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ रूल देखो. तो फिफ्थ रूल है अपना, दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट बिहाइंड द ब्लॉक. ओके ओके, इसमें क्या होता है, व्हेन समिंग पॉइंट इज शिफ्टेड बिफोर द ब्लॉक, देन द रिजल्टेंट ब्लॉक डायग्राम इज लाइक दैट. मीन्स क्या होता है, अगर ये समिंग पॉइंट आपको
आगे शिफ्ट करना हो ये ब्लॉक के, तो इधर क्या होता है, ये समिंग पॉइंट आगे तो शिफ्ट होता है, लेकिन उसके इसमें जो है फीडबैक में क्या लगता है, 1/g। ओके, ये हो गया अपना फिफ्थ रूल। ओके, सिक्स्थ रूल है इसके अपोजिट, मीन्स क्या करेंगे इसको, आफ्टर समिंग पॉइंट आफ्टर कनेक्ट करेंगे, अगर शिफ्ट करना है, शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बियॉन्ड द ब्लॉक, बियॉन्ड मीन्स आफ्टर, तो उसमें क्या होगा, व्हेन समिंग पॉइंट इज शिफ्टेड आफ्टर द ब्लॉक देन द डायग्राम विल लाइक दैट। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अगर समिंग पॉइंट इधर मीन्स ब्लॉक के बाद में अगर शिफ्ट करना हो, तो उसके साथ में क्या ऐड होता है फीडबैक में, दैट इज जी जो है ब्लॉक, वो क्या होता है इधर ऐड होता है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर समिंग पॉइंट आपको ब्लॉक के आगे लेना है तो 1/g लगाना है। ओके, और समिंग पॉइंट अगर ब्लॉक के बाद में लेना है तो इधर का क्या आएगा, दैट इज जी। ओके, बाद में जो रूल्स है दो, ये एग्जैक्ट अपोजिट है इसके, वो भी देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट रूल है अपना, देखो, शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट बियॉन्ड द ब्लॉक। अभी ये जो डॉट लिखा है इसको क्या बोलते हैं, टेक ऑफ पॉइंट, अगर क्रॉस हो तो हो गया समिंग पॉइंट। ठीक है, अभी अगर आपको ये टेक ऑफ पॉइंट क्या लेना है, ब्लॉक के पहले अगर शिफ्ट करना है तो क्या ऐड होगा, जी ऐड हो गया। ठीक है, और इसमें अगर समिंग पॉइंट आपको आगे लेना है ब्लॉक के, तो उधर क्या आएगा, 1/g। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस जो है आपको समझ में आ गया, जैसे कि ये जो ब्लॉक समिंग पॉइंट है आगे लेना है तो उसको 1/g से हम लोग इधर रिप्लेस करते हैं, और ये टेक अप पॉइंट जर ब्लॉक के आगे लेना है तो उसको जी से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है एट्थ रूल देखना है अपने को। ओके, सी, दिस इज द एट्थ रूल, दैट इज शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट बियॉन्ड द ब्लॉक। मीन्स ये टेक ऑफ पॉइंट हम को कहाँ पे चाहिए, ब्लॉक के बाद में, आफ्टर द ब्लॉक, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे इधर, 1/g। एग्जैक्ट जो है इसके अपोजिट है, देखो, अगर समिंग पॉइंट आपको ब्लॉक के बाद में चाहिए तो जी ऐड कर लेते हैं हम लोग, और अगर टेक ऑफ पॉइंट आपको ब्लॉक के बाद में चाहिए तो 1/g ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट अपोजिट है, ये दोनों के अपोजिट ये दोनों है। ठीक है, 5-6 रूल्स के अपोजिट 7-8 रूल्स है। ओके, उसके बाद में जो है लास्ट दो रूल्स देखेंगे किसी, ये दो लास्ट रूल्स है जो 9th का है, वो है शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट बी बिहाइंड द समिंग पॉइंट। मीन्स ये जो टेक ऑफ पॉइंट है, अगर आपको क्या करना है, समिंग पॉइंट के आगे लेना है, शिफ्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है समिंग पॉइंट के आगे और एक समिंग पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, और ये जो एक्स है वो आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, वैसे ही शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट बियॉन्ड समिंग पॉइंट, मीन्स अगर ये टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के बाद में अगर आपको शिफ्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका समिंग पॉइंट है उसके बाद में टेक ऑफ पॉइंट लेना पड़ेगा, और उसके साथ में एक और क्या हो गया, समिंग पॉइंट ऐड होगा। ओके, तो ये सब रूल्स हो गए, दीज आर द 10 रूल्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल्स वी सॉल्व द ब्लॉक डायग्राम प्रॉब्लम्स। और ये जो प्रॉब्लम्स है आपको एग्जाम में पूछते हैं 8 मार्क के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ओके, तो आज का टॉपिक यहाँ यहीं पे जो है एंड हो चुका है। थैंक यू।